अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पीलीभीत के बरखेड़ा में अन्नदाताओं ने खोला मोर्चा। एक साल से गन्ना का बकाया न मिलने से नाराज किसान। 45 करोड़ का बकाया अब तक नहीं किया गया भुगतान। अब किसानों ने मिल बंद करने की उठाई मांग। अधिकारियों के साथ कई दौर की वार्ता हुई फेल। न्यूज 18 की वेबसाइट पर लगी ये खबर एक दिन पुरानी है, जिसमें दावा किया गया है कि सीएम की सख्ती का असर, चीनी मिलों ने किसानों को किया 3,814 करोड़ का भुगतान। लेकिन ये तस्वीर आज की है और पिछले 3 दिन से ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है। एक तरफ गन्ने के भुगतान का दावा और चमचागिरी में लगे चैनल, तो दूसरी तरफ किसानों का धरना और भुगतान न मिलने से परेशानी का आलम। पीलीभीत जिले के बरखेड़ा की ये तस्वीरें हैं, जहां अन्नदाता ने गन्ना उगाया और चीनी मिल को दिया, लेकिन चीनी मिल मालिकों ने गन्ने का तो जूस निकाला ही, साथ ही अब किसानों को एक साल से भुगतान न करके उन्हें भी निचोड़ रहे हैं और किसान मजबूरी में धरना दे रहा है, फिर चाहे वो दिल्ली हो या फिर पीलीभीत। बरखेड़ा में मौजूद बजाज हिंदुस्तान चीनी मिल ने किसानों का 45 करोड़ रुपए का बकाया एक साल से नहीं दिया। ऐसे में गुहार लगा लगा कर थक चुके किसान ने धरने का सहारा लिया, तो कोरोना के नाम पर धमकी देने अधिकारी भी पहुंच गए और फिर कोशिश करने लगे कि ये धरना कैसे भी करके खत्म हो जाए ताकि हमारी नाक बच जाए। उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि अधिकारी मौके पर पहुंचे लेकिन विधायक महोदय नहीं पहुंचे, जिन्होंने इन किसानों से वोट लिया और आज विधायकी का जलवा झाड़ रहे हैं और तंग हाल किसान धरने के लिए मजबूर है। किसान अब मिल को बंद करने की मांग पर अड़े हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि बीजेपी के विधायक महोदय किस कोने में पड़े हैं, जिनको इन किसानों का दर्द न दिखाई देता है और न माइक पर चिल्लाते किसानों की आवाज सुनाई देती है। कहने को तो योगी आदित्यनाथ दावा करते हैं कि प्रदेश में किसानों का भुगतान हुआ है और किसान खुशहाल है, लेकिन योगी के ही एक विधायक के क्षेत्र में किसान योगी के दावे की हवा निकाल रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि ये कागजी और हवा हवाई दावे सरकार कब तक करती रहेगी। बाबा जी दावा करते हैं कि 2022 में सत्ता फिर से हमारी होगी, लेकिन जो किसान वोट करता है वो धरने दे रहा है। क्या धरने देने वाला किसान बाबा जी को फिर से वोट देगा या फिर ईवीएम मैया की जय जयकार करके सत्ता हासिल की जाएगी, ऐसा विपक्ष का कहना है। पीलीभीत के बरखेड़ा में जो दिख रहा है वो सिर्फ एक जिले की तस्वीर नहीं है, यूपी में कई जगह इसी तरह का हाल है, लेकिन सरकार को ये हाल इसलिए नहीं दिखता क्योंकि उनकी आंखों पर जुमलों का चश्मा लगा है और उनके विधायकों ने कभी उन्हें हकीकत बताई ही नहीं। बरखेड़ा के विधायक महोदय, अगर दोबारा जीतना चाहते हो तो फिर देर न करते हुए इन किसानों का भुगतान करवाओ, कहीं ऐसा न हो ये किसान आपके खिलाफ अपने वोट की चोट का इस्तेमाल करें और आप अपनी विधायकी से ही हाथ धो बैठे। साथ ही सवाल विधायक से ये भी है कि कभी इन किसानों की सुध लेने के लिए इनके साथ आकर बैठिए या फिर सिर्फ भादों में निकलने वाले मेढक की तरह सियासी समर की बरसात में निकलेंगे और चुनाव जीतने के बाद बंगले में बैठकर गर्मी में एसी की हवा खाएंगे और सर्दी में ब्लोअर की हवा खाएंगे, ऐसा विपक्षी दलों का कहना है। पीलीभीत से मीडिया हलचल के लिए आशुतोष मिश्रा की रिपोर्ट।